डियर स्टूडेंट, मैं उसागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सब्सक्राइब पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.5, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.5 में पार्ट वन को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने नियर अबाउट 7 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था। तो पीछे वाला पार्ट जो था वो पार्ट वन था प्रश्नावली 7.5 का, और ये है प्रश्नावली 7.5 का पार्ट टू, जिसमें हम लोग उसमें 8 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली पर। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यही है। ठीक है, देखो मेन यहां पे है आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट करना। अगर आपको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना आता है तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। मैंने आपको बताया था 7 तक कि जब अलग अलग रहेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बहुत आसानी से उसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन यहां पर क्या है, अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग नहीं है तो इसको आप आंशिक भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो है, जो रिपीट है, दो बार है, इसको रिपीट करो। पहले एक बार एक्स माइनस वन लिखो, फिर रिपीट करो एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर दो। यहां पे पावर 3 होता तो फिर लिखते बटा एक्स माइनस वन के ऊपर क्यूब। अगर यहां पे एक्स माइनस वन की पावर 4 होता तो फिर एक बार लिखते एक्स माइनस वन की पावर 4। जितने पावर होता आप उसको एक से लेके वहां तक रिपीट करना होता है। जैसे यहां पर एक्स के पावर 2 है तो पहले लिखा एक्स पावर 1 पावर 1, एक्स पावर माइनस 1 पावर 2, तो 1 2, दो पावर रिपीट किया ना। हाँ, इसके बाद जो तीसरा बच रहा है, तीसरा क्या है, एक्स प्लस 2, तो यहां पर लिख देना है एक्स प्लस 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आराम से आपको ऊपर a लिख देना है, यहां पर b लिख देना है, यहां पर c लिख देना है, और यहां पर बीच में प्लस ऐड कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने बताया था कि नीचे पावर 2 आएगा तो bx प्लस c उस टाइप करके लिखोगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा था आप तब करोगे जब दिखेगा पावर 2। यहां पर पावर 2 दिख नहीं रहा है, यहां पर होल स्क्वायर है, इसलिए आप bx प्लस c mx प्लस n उस रूप में नहीं करोगे, सिंपली आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, x बटा एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू, आप लोगे एलसीएम तो एलसीएम क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये आएगा एलसीएम। ठीक है, इसके बाद ए इसके सॉरी सॉरी ए एक्स माइनस टू नहीं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इतना। इसके बाद क्या करना है, इससे इसमें भाग करना है, इससे इसमें भाग करोगे तो ये तो एक बार कट जाएगा, बाकी बचेगा एक्स माइनस वन और x प्लस टू, इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे ये हो गया और ये हो गया x माइनस वन एक्स प्लस टू, बीच में प्लस है उसको आप प्लस लिख दो। ठीक है, इसके बाद x माइनस वन के होल स्क्वायर से भाग करोगे इसमें तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा ये, इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे हो जाएगा b और ये हो जाएगा x प्लस टू, यहां पर प्लस है प्लस लिख दो। इसके बाद जो यहां पे x प्लस टू है उससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो x प्लस टू ये कट जाएगा, बाकी ये बचेगा, इससे आप उस c में मल्टीप्लाई कर दो। तो c में मल्टीप्लाई करोगे किससे, x माइनस वन का होल स्क्वायर, फॉर्मूले पे तोड़ोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक ही आएगा माइनस टू ए बी यानी 2x, इतना हो गया ना। इसके बाद देखो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, इसके बाद यहां पर x x कर दो बराबर a, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस एक्स, 2x में से x जाएगा तो आएगा प्लस एक्स, और माइनस एक का दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस टू आएगा प्लस। अभी आप ऐसे रहने दो बी एक्स प्लस टू, और उसी जो ब्रैकेट में है उसे रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक माइनस टू एक्स। फिर यहां पर एक्स है, इस अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू ए, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी एक्स प्लस क्या आएगा टू बी, सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स। ठीक है, इसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको एक तरफ, जो एक्स वाले हैं उनको एक पास, जिनके पास कुछ नहीं उनको एक पास कर लो। चलो इसके बाद एक्स देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो इसको उसको पास में कर लो तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और ये क्या है सी एक्स स्क्वायर, एक्स बी एक्स और सी एक्स, ये पास पास कर लो इनको ए एक्स, उसके बाद ये बी एक्स, और ये क्या है माइनस टू सी एक्स, इनको पास पास में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके पास क्या है एक्स है। उसके बाद
जिनके पास एक्स नहीं है उनको पास में कर लो। देखो ये टू बी के पास एक्स नहीं है, ये टू ए के पास एक्स नहीं है, और ये सी के पास एक्स नहीं है, तो इनको पास पास कर लो। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ो, एक्स इनमें देखो कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक्स एक्स है ना, एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ भी एक्स है तो माइनस टू सी बचेगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको आप ऐसे उतारो, टू बी माइनस टू ए प्लस सी। इसके बाद करोगे आप कंपेयर, कैसे करोगे कंपेयर, तो कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स यहाँ भी है, इसके बगल में ये पूरा है, इसके बगल में क्या है, एक है, तो ये पूरा एक के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू सी बराबर क्या, एक, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर इधर कहीं है क्या, एक्स स्क्वायर इधर कहीं नहीं है, तो ये जो वैल्यू है ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये जो कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट पद इधर कहीं है क्या, नहीं है, मतलब अचर पद इधर है, इधर कहीं अचर पद है, नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो के बराबर, टू बी माइनस टू ए प्लस सी बराबर क्या, जीरो। इसके बाद कुछ भी करके ए और बी और सी का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस सी, और इसके बाद ए की वैल्यू माइनस सी के बराबर है, तो यहां पे माइनस सी प्लस बी माइनस टू सी बराबर एक, माइनस सी माइनस टू सी हो जाएगा माइनस थ्री सी प्लस बी बराबर क्या, एक। इसके बाद यहां से बी की वैल्यू निकालो, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक, थ्री सी उधर जाएगा तो हो गया एक प्लस थ्री सी, आ जाओ टू, बी की वैल्यू क्या है, वन प्लस थ्री सी और माइनस टू, ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू है माइनस सी के बराबर, तो एक जगह पे रख दो माइनस सी, और प्लस यहां पे सी है बराबर जीरो कर दो, गुणा करोगे दो प्लस दो तिया है छह सी, और प्लस माइनस माइनस का प्लस, टू सी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, छे दो आठ एक नौ सी बराबर क्या, माइनस टू सी बराबर माइनस दो बटा क्या आ गया, नौ आ गया, सी की वैल्यू आ गई। इस तरह आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो और इस तरह आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलो निकाल देता हूं मैं, अब ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस दो बटा नाइन, यहां पर रखोगे तो दो बटा नाइन प्लस में हो जाएगा, और b की वैल्यू निकालोगे तो b बराबर हो जाएगा एक बटा थ्री, c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है माइनस दो बटा नाइन, हल करोगे तो ऐसे करोगे नौ करने में नौ, तीन दुनाए छः बटा नाइन, घटाओगे तीन बटा नाइन, काटोगे तो क्या आएगा एक बटा तीन आ गया ना। इसके बाद इसी में आपको क्या करना है, a के स्थान पे क्या रख देना है, a की वैल्यू दो बटा नाइन, तो दो बटा नाइन कर देना है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है एक बटा तीन, तो यहां पे रख देना एक बटा तीन। सी की वैल्यू क्या है, माइनस दो बटा नाइन, तो यहां पे रख देना माइनस दो बटा क्या नाइन, प्लस माइनस का यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस। इसके बाद ये वन अपान एक्स समाकलन करोगे, वन अपान एक्स का बन जाएगा फॉर्मूला, ये वन अपान एक्स स्क्वायर, तो वन अपान स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एक्स पावर माइनस टू एक्स पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा, उस पर आप समाकलन कर सकते हो, ठीक है। वन अपान एक्स ये भी लॉग एक्स का फॉर्मूला है, तो इस तरह आप इसका समाकलन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर कितना, एट, ठीक है। बाकी बात आती है क्वेश्चन नाइन की, तो क्वेश्चन नाइन भी एट की तरह ही है, बस मैं थोड़ा सा उसमें हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप उसको खुद लगा लोगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, तो ये देखिए ये क्वेश्चन नाइन, और करना है इसको समाकलन करना है, समाकलन करने से पहले इसको चेंज करना आंशिक भिन्नों में, तो ये क्या है थ्री एक्स प्लस फाइव बटा, यहां देखो यहां कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा क्या एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो माइनस एक बचा है, यहां पर माइनस एक बचा, कुछ सही है ना, नहीं, यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे माइनस कर दो, फिर माइनस एक कॉमन है, माइनस एक कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा एक्स माइनस वन। इसके बाद थ्री एक्स प्लस फाइव पटा, ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस वन कॉमन है, तो यहां पर लिख दो एक्स माइनस वन, तो इस पूरे में से ये बाहर निकला तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये बाहर निकला तो हो गया माइनस एक। इसके बाद थ्री एक्स प्लस फाइव और ये है एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर लिख सकते हो इसको थ्री एक्स प्लस फाइव बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या है x प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह
ये बिल्कुल बन गया है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो अगर आपने 8 लगा लिया है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी लगा लोगे, ठीक है। तो उसको आप लगा लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो अगर आपने 7 लगाया है, 7 तो मैं लगवा भी दिया था, तो अगर आपने 7 लगाया है तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। इसको भी लगा लीजिएगा। बाकी बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, वो तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरे या चौथा जैसा है। देख लो फटाफट क्या है, 5x बटा x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 लिख दो, 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया फॉर्मूला। एक में x प्लस 2, एक में क्या x माइनस 2, और ये देखो बन गया क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा। इसको भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 एक्स क्यूब, हाँ, तो क्वेश्चन 12 अगर आप लगा रहे हो तो क्वेश्चन 12 आप नहीं लगा पाओगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन 12 में क्या है कि जो अंश वाला है उसका घात हर वाले के घात से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि जब अंश वाले घात हर वाले के घात के बराबर हो या ज्यादा हो तो सबसे पहले उसको आपको कन्वर्ट करना होगा आंशिक भिन्नों में, सॉरी, सबसे पहले उसको भाग देना पड़ेगा, और भाग देने का फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आंशिक भिन्नों में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 12। तो देखिए ये है क्वेश्चन 12, और चूंकि अंश का घात हर के घात से ज्यादा है इसलिए पहले भाग करना पड़ेगा, और भाग करने के बाद फिर जो करना है वो करेंगे। तो पहले भाग कर लेते हैं। देखो ये ऊपर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और भाग ऐसा नहीं कि बहुत बार भाग करना है, सिर्फ एक बार भाग करके जो अंश वाला है ना उसकी घात को छोटा बना लेना है बस। तो भाग करोगे तो यहाँ पे क्या एक्स क्यूब लेके आना है, तो यहाँ पर एक्स बार लेके जाओगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस का यहाँ पे माइनस, एक का एक्स में करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस एक्स, प्लस एक्स क्या हो जाएगा प्लस 2x, और ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है, बस हो गया। इसके बाद क्या करोगे आप, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर आप 52 में भाग करते हो 5 का तो 5 × 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 10 प्लस, मतलब इतना प्लस 2/5, इसको आप इस तरह कर सकते हो, मतलब कि 52 में अगर आपने 5 का भाग दिया तो इस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लोगे फिर वही आएगा। वैसे तो पहले किसको, पहले 10 को माने पहले भागफल को आप लिख लो। भागफल क्या है, तो भागफल है एक्स प्लस 2 माने क्या जो शेषफल है, शेषफल क्या है 2x प्लस 1, और बटा नीचे क्या है, नीचे भागफल जिसे भाग कर रहे हो, सॉरी जिससे भाग कर रहे हो भाजक है, तो भाजक यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इस चीज को आप इतना कर सकते हो। और फिर मैं आपको बता दूं कि जब भी अंश वाले का घात हर वाले घात से ज्यादा होगा, देखो ऊपर क्या है मैक्सिमम घात 3 है, नीचे कितना है अधिकतम घात 2 है, तो जब अंश वाले घात ज्यादा हो या बराबर हो तो ये प्रक्रम आप हमेशा करोगे, ये प्रोसेस आप हमेशा अपनाओगे आप, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इसके बाद क्या करना, इतना तो हो गया ना, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब ये तो बिल्कुल बन गया क्वेश्चन नंबर पिछले जैसा, कैसे एक्स प्लस ये क्या है, इसको आप बदल लो आंशिक भिन्नों में, कैसे, तो देखो 2x प्लस 1 तो वही है, इसको ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे में x माइनस 1, बहुत ध्यान देखना, इसका समकलन तो आप कर ही लोगे। बात आती है इसकी, तो इसको आप आंशिक भिन्न में बदल सकते हो, कैसे बदला जाएगा, तो नियम तो आपको मालूम है, इसको आंशिक भिन्न में बदल लेना, बाकी जो भी आएगा उसको यहां पर रख देना और फिर कर देना समाकलन, बन जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूले में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन 13 की, तो 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखे हो 7 देखे हो वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी है, ठीक है। क्वेश्चन 14 की बात आती है, तो 14 तो आप लगा लोगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उसमें हिंट दे दूंगा, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये है क्वेश्चन 14, और कैसे करोगे आप इसका समाकलन, तो देख लो, पहले मैंने आपको बताया था कि जब नीचे स्क्वायर टाइप का हो वही चीज रिपीट हो, तो कैसे आप करोगे, क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो 8 था वो इसी पे बेस था, पहले क्या लिखना है आपको, लिखना है एक्स प्लस 2 का 2, एक बार फिर लिखना है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 2 है, अगर 3 घात होता तो फिर लिखते एक्स प्लस 2 के पावर 3। अब चूंकि ये सिंपल है इसलिए यहाँ पे लिख दो a और b और बीच में प्लस कर दो, इसको सॉल्व करो, ए बी सी का ए बी का मान निकालो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पुट करने के बाद जो भी आएगा इसका अलग अलग समाकलन कर दो और प्लस सी ऐड कर दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन 14 भी आप लगा लोगे, ठीक है।
बाकी बात आती है क्वेश्चन 15 की, तो क्वेश्चन 15 ये है और क्वेश्चन 15 का समाकलन आप कैसे करोगे तो देख लो। समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसको आप तोड़ लो, तो कैसे तोड़ोगे, 1 अपान ये एक्स के पावर 4 है ले सकते हो, एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर बन गया 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस एक, एक में एक्स स्क्वायर माइनस एक, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अपान यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार क्या करोगे उसको जोड़ोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़ोगे एक्स प्लस वन दूसरे में क्या एक्स माइनस वन, यहां समझ में आ रहा है ना। इसके बाद इसको आप चेंज करोगे आंसर बिंदु में, कैसे चेंज करोगे तो मैं आपको बता दूं, 1 अपान ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेकेंड में क्या है एक्स प्लस वन, फिर क्या है एक्स माइनस वन, चूंकि सब डिफरेंट डिफरेंट है सेम सेम नहीं है ना, तो सेम रिपीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक, सेकेंड में लिखोगे क्या एक्स प्लस एक, थर्ड में लिखोगे क्या एक्स माइनस एक। देखो यहां पर बीच में प्लस कर दो, यहां पर आप मान लो बी सी कर दिए या मान लो ए कर दिए बी कर दिए, ठीक है। अब यहां पर चूंकि दो घात है इसलिए हमको एम एक्स प्लस एन के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ए बी तो नहीं लिखना है, कुछ और लिख दो, तो लिख दो सी एक्स प्लस डी, ए बी जो लिख दिया गया उसको यहां पर रिपीट नहीं करना है, रिपीट कर दिया तो फिर फंसे। एलसीएम लेना है ए बी सी डी का मान निकाल के यहां पुट अप करना है, इस पर अलग अलग सभी का समाकलन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन 15 को भी लगा लोगे, ठीक। बाकी बात आती है क्वेश्चन 16 17 18 19 20 और 21 और आगे दो क्वेश्चन और है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में 16, ये 16 नहीं क्वेश्चन में 16, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो देखते हैं क्वेश्चन में 16 को कैसे लगाएंगे। देखो ये है क्वेश्चन में 16 और कैसे आप लगाओगे ना, सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है पहले आप माइंड में बैठा लो अच्छे से कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो एक्स के पावर एन है उसको आप कुछ मान लो, जैसे यहां पे क्या है x की पावर n है, x की पावर n को कुछ मानो, मान लो बराबर t, यहां पे जो भी इसे मान लो 1 अपान x, यहां पे x की पावर 7 प्लस 1 आया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना तो जो यहां पे आ रहा है उसको कुछ मान लो पहले, जैसे यहां पे मैं मान लिया, आ जाओ समाकलन करना है ना तो यहां पे हो जाएगा dx, ठीक है। मान लिया इसका अवकलन करो, अवकलन करो तो क्या आएगा एन एक्स एन माइनस वन, और इसका करोगे तो आएगा डी टी अपान क्या डी एक्स, ये नीचे आएगा तो एन एक्स एन माइनस वन और ये आएगा डी एक्स बराबर क्या डी टी। इतनी बात समझ में आ रही है ना, बस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स को आप रहने दो ऐसे, यहां एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को आपने क्या माना टी, तो यहां पे कर दो टी और प्लस कर दो यहां पे एक, डी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हुई, अरे हाँ डी एक्स की वैल्यू जब निकालोगे यहां से तो यह जाएगा नीचे, तो क्या आएगा डी टी अपान इतना डी टी अपान ये क्या है एन एक्स एन माइनस वन। इसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपान, देखो ये एन है ना तो एन को रह दो, एक्स जो है एक्स के पावर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एन माइनस वन है तो ये आधार सेम से मैं घाते जुड़ जाएंगे, तो एन माइनस वन में जब एक जुटेगा तो एक जोड़ोगे इसी ये कट जाएगा तो क्या आएगा एक्स के पावर खाली एन आ जाएगा और यहाँ पे क्या है टी प्लस वन और यहाँ पे क्या है टी टी। 1 अपान एन, एन क्या है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर एन को आपने क्या माना है टी, तो यहां पे हो जाएगा टी टी और ये क्या है टी प्लस वन और यहां पे क्या है टी टी, और इसका समाकलन तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो क्योंकि इसको आप आंशिक बिंदु में तोड़ सकते हो, तो इसको आप आंशिक बिंदु में तोड़ लेना, तोड़ने के बाद समाकलन कर लेना, समाकलन करने के बाद जहां जहां टी रहेगा टी के स्थान पर आप एक्स के पावर एन कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने प्रश्नावली 74 तक अच्छे से पढ़ा है तो ये जो मैं बता रहा हूँ हिंट हिंट वो आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने प्रश्नावली 74 तक नहीं पढ़ा है तब तो आप मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि साला ये क्या बता रहा है, क्योंकि तब गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि जब मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ और मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझे गुस्सा आता है कि ये क्या बता रहा है, कुछ नहीं आता इसको, समझ पा रहे हो ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने प्रश्नावली 74 तक अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कुछ में 16 तक आप लगा लोगे, बाकी बात आती है कुछ में 17 की, तो 17 भी देख लेते हैं। देखो ये है कुछ में 17 और 17 अगर आप देख रहे हो तो अगर आप प्रश्नावली 75 के पहले के सारे प्रश्नावली को लगाए हो
तो आपके जहन में उठ रहा होगा कि मान लो sin x बराबर t, समझ पा रहे हो? आप इसको देख के समझ पा रहे हो कि sin x को t मान लो, तो मान लो ना भैया, काहे रुके हो? sin x बराबर क्या मान लो? t मान लो, कर दो अवकलन। sin x का अवकलन क्या होगा? cos x, और यहां पे क्या हो जाएगा? dt अपान dx, dx का मान निकालोगे, dx बराबर क्या हो जाएगा? dt अपान क्या? cos x। चलो समाकलन करना है x के सापेक्ष, यहां पे लिख दो क्या? dx। इसके बाद इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है? cos x, रहन दो आप, नीचे क्या? 1 अपान माइनस sin x को आपने माना है t, sin x के स्थान पे आप t कर दो, और 2 माइनस sin x की वैल्यू क्या है? t, तो यहां पे कर दो t। dx की वैल्यू क्या है? dx की वैल्यू dt अपान cos x, तो यहां पे हो जाएगा dt अपान क्या? cos x। cos x से cos x कटा चला गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या? t, और ये क्या हो गया? 2 माइनस t, और ये क्या हो गया? dt। ठीक, देखो इसका आप समाकलन तब तक नहीं कर सकते हो जब तक इसको आप आंशिक बिंदु में ना कन्वर्ट कर दो। तो इसको आंशिक बिंदु में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है? तो इसको आंशिक बिंदु में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करने के बाद जो भी आएगा लास्ट में उसमें टी के स्थान पर साइन एक्स रख देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो क्वेश्चन में 17 भी लगा लोगे आप, बाकी बात आती है क्वेश्चन में 18 और 19। क्वेश्चन में जो 18 और 19 है ना, उसमें आपको एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई मान लो। क्यों मानना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन में 18 और 19, पहले 18 में उतार देता हूं फिर बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, इसको आपको देख के लग रहा होगा कि ऊपर मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 आएगा। आंसर में पावर क्या है? सेम सेम आ रहा है, वो जो पावर सेम सेम आएगा तो क्या करना पड़ेगा? अंश में हर से भाग करना पड़ेगा। आप ऐसा ही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप रॉन्ग हो, क्योंकि जब सभी सब में सेम सेम चीजें एक स्क्वायर दिख रहा है तो उसको कुछ मान लिया करो आप, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसको आप कुछ मान ही लिया करो। तो यहां मान लेते हैं, माना बगल में मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या? टी, टी मान लिया, तो मान लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टी प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा? टी प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा? हो जाएगा टी प्लस 3, और यहां क्या हो जाएगा? टी प्लस 4, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये 2t, और ये टी 3t हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसीलिए यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 70, और प्लस 4 दिया क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। देखो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को हल किया है ना, मैंने क्या बताया कि आंसर में पावर क्या सेम सेम आ रहा है ना, तो पहले आप भाग कर लोगे, भाग करने उसको सही से आप लिख लोगे, लिखने के मतलब जानते ही हो आप। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 को लगाया, क्वेश्चन नंबर 6 को लगाया, वैसे आप इसको भी कर लोगे। करने के बाद जो भी एक खंड आएगा, एक खंड यहां पर आएगा प्लस यहां पर जो भी खंड आएगा, उस खंड को आप आंशिक बिंदु में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका समाकलन कर देना। समाकलन करने के बाद जो भी लास्ट में आएगा वहां पे एक्स स्क्वायर के, सॉरी टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो इसको आप लगा लीजिएगा, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है? बाकी अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 भी ऐसे ही है। आओ मैं फटाफट बता देता हूं कि 19 को आप कैसे लाओगे, हिंट ले लो, इसमें भी मानना पड़ेगा, लेकिन 19 इतना टफ नहीं है जितना ये टफ था। ये थोड़ा टफ था लेकिन 19 और आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और है एक्स स्क्वायर प्लस टी 3। इसमें मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बराबर टी, और अवकलन करोगे तो यहां पे हो जाएगा 2x, यहां पे हो जाएगा dx बराबर यहां पे हो जाएगा dt, dx का मान निकालोगे तो dt अपान क्या आएगा? 2x आएगा। समाकलन करना है, यहां पर dx कर दो, ऊपर 2x है 2x ही रहे, तो नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहां पे टी प्लस 1 हो गया, और यहां पे क्या है? टी प्लस 3 हो गया, तो टी प्लस 3 कर दो, और यहां डीएक्स की वैल्यू क्या है? डीएक्स की वैल्यू है डी टी अपान क्या? 2x, इसी ये कट गया, कट गया ना, तो 1 अपान टी प्लस 1 और टी प्लस 3, इसके बाद डी टी। इसके बाद आपको समझ पा रहे होगे मुझे क्या करना है। अरे क्या करना है? आंशिक बिंदु में कन्वर्ट करना। आंशिक बिंदु में कन्वर्ट करने के बाद तो टी की वैल्यू आपने माना है एक्स स्क्वायर, उसको आपको पुट कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है? बाकी क्वेश्चन में 20 की बात आती है, क्वेश्चन में 20 सेम क्वेश्चन में 16 की तरह है नहीं? देख लो, बस वहां एक्स की पावर है ना, यहाँ एक्स की पावर 4 है।
अब बात आती है क्वेश्चन में 21 की, तो सवाल में दिया है ex बराबर t मान लो, ऐसा कुछ दिया है तो हाँ मानना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि हम लोग उसको देख के मान रहे, मानना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको मानना पड़ेगा। या मैंने आपको पीछे बताया था पिछले के प्रश्नावलियों में कि जब भी e वाले क्वेश्चन आए तो e के पावर माइनस एक से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो अगर आप ऐसा भी करके लगाओगे तब भी आ जाएगा, e के पावर माइनस एक से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर आप नीचे ex को मानना चाह रहे हो तो मान लो तब भी आंसर आ जाएगा। तो आओ चलते हैं ex को मान लेते हैं और आंसर ले आते हैं। देखो क्या है, 1 अपान e के पावर x और माइनस एक, मान लेते हैं, माना e के पावर x बराबर t, अवकलन करोगे तो आएगा e के पावर x, ऐसा करोगे तो आएगा dt अपान क्या dx, और अवकलन करना समाकलन करना है यहां पे dx हो जाएगा, dx का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा dt बटा क्या e के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर dx बराबर यहां पे क्या है dt, e के पावर x को आपने t माना है तो यहां पे क्या हो जाएगा t, 1 अपान e के पावर x की वैल्यू क्या है t है तो यहां पे t माइनस एक हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या है dt अपान t, तो dt अपान t माने 1 अपान t। इसके बाद क्या करना है भाई, पहले इसको वहां से भिन्न में कन्वर्ट करना है, वहां से भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद समाकलन करना है, समाकलन करने के बाद टी की वैल्यू जो माना उठा के रख देना, बाकी जो भी आएगा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कुछ में 21 तक देख लिया, बाकी बात आती है 22 और 23 की, तो 22 23 बहुत ही आसान है, उसमें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, तो उसको आप लगा लीजिएगा। इसके बाद बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आप ही लोग कमेंट करोगे तभी वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर बताएं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 7.5 अच्छे से पढ़ लिया है, अब बात आती है प्रश्नावली 7.6 की, तो इसके जस्ट बाद हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 7.6 के कॉन्सेप्ट के साथ, कि पहले प्रश्नावली 7.6 का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप कैसे लगाओगे, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखा करो, तो मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप जरूर देखा करो, अगर आप प्रश्नावली नहीं भी देख रहे हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे कॉन्सेप्ट की वीडियो, उस वीडियो को आप जरूर देखा करो, अगर उसको आप देख लेते हो तो आप प्रश्नावली खुद ही खुद के खुद लगा ले जाओगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 7.6 के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोगों ने प्यार हमारे ऊपर ऐसी बनाए रखिए, धन्यवाद।